सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं अपनी बात करने से पहले, तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूँ कि वीडियो है किन लोगों के लिए। एक्चुअली ये वीडियो है तो सभी लोगों के लिए, आप देख रहे हो तो, लेकिन स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कुवैत में आना चाहते हैं काम करने के लिए। फ्रेशर है, मान के चलो फ्रेशर ही है जो पहली बार कुवैत में आना चाहते हैं काम के लिए। सो कुवैत आने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखना, और कुवैत आने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। उसके बारे में ही है टॉपिक, पूरी वीडियो उसी के बारे में घूमती है। ठीक है, पहले सबसे पहली बात तो ये है कि कुवैत सेफ़ है, क्राइम रेट बहुत ही कम है यहाँ पे, टेंशन मत लो उसके बारे में, कुवैत सेफ़ है। सेकेंड, अभी बात करते हैं कुवैत में जैसे तुम आते हो तुमको दो चीज़ों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। पहले वो है हवा, यहाँ का हवा मतलब यहाँ का जो धूल मिट्टी वाला है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे डस्ट ही रहता है, ठीक है, और कभी कभी तो ज़्यादा ही रहता है यहाँ पे, वो एक हो गया। और सेकंड पानी। तो पहले डस्ट के बारे में, अगर आप लोगों को किसी को डस्ट से एनर्जी है, कुछ ज़्यादा ही है, तो दोस्त तुम मत आओ यहाँ पे, इन कंट्रीज में मत आओ, कोई दूसरी कंट्री देख लो, ठीक है, सॉरी। तो आप लोग इन कंट्रीज़ में मत आओ, गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ पे ये डेजर्ट टाइप में रहता है ना, कोई दूसरी कंट्री देख लो जहाँ पे तुम कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, सभी लोगों के लिए कुछ कंट्रीज़ सही नहीं है। देखो, गर्मी वाली कंट्रीज़ भी है, ठंडी वाली कंट्रीज़ भी है, जैसे कि यूरोप साइड में, उस साइड में तुम जाओगे, कुछ काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बर्फबारी होती है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, ठीक है ना, वेदर, और कुछ लोगों को गर्मी सूट नहीं करता है। तो उसी तरह से सभी लोगों के लिए कुवैत सही नहीं है, कुछ लोगों के लिए कुछ सही है, कुछ लोगों के लिए कुछ सही नहीं है। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि अरे यार ये तो मुझसे नहीं होगा, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद यहाँ से लोग निकल जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो उसके बारे में, सब कुछ उसके बारे में। तो एक बेसिक तुमको एक वीडियो देखने से एक रफ एक नॉलेज मिल जाएगा तुमको, और बाकी सारा तुमको कुछ है तो तुम्हारा कुछ फ्रेंड सर्कल में, अगर तुम फैमिली है तो तुम उनसे बात करके नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ का डस्की एरिया, तो डस्टी एरिया मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ते रहता है, और कुछ जो अभी जैसे कि अभी ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक थोड़ा बहुत ठंडी और थोड़ा बहुत बारिश वारिश रहता है, ठीक है। अगर धूल से एनर्जी है, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है, तो भाई तुम मत आओ। और इसी के कारण यहाँ पे काफ़ी सारा स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को। बात करते हैं पानी के बारे में। सब पानी का सीन क्या है यहाँ पे, जो समुद्र का पानी है उसी को फिल्टर करके यहाँ पे लोगों के घर में यहाँ पे पहुँचाया जाता है फिल्टर करके। सेकंड, वो पानी ये लोग कुवैती लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ वो लोग नहाने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन तीन चीज़ों के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं झाड़ू को पानी वगैरह डालने के लिए। पीने के लिए पानी ये लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी ये पानी फ़िल्टर होकर आया है, लेकिन इसको और एक बार फ़िल्टर करते हैं लोग घर पर, ये लोग फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं, वो भी पीते हैं ये लोग। लेकिन मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, कुवैती बाहर से मिनरल वाटर, वो जो बॉटल वाटर होता है 300-350 ml का, उस टाइप से छोटे छोटे बॉटल्स एक ही बार में 15-20-25 कार्टून सेल वगैरह पड़ा रहता है, तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा एक ही बार में लाके लोग स्टोर करके रखते हैं। तो यह है पानी का प्रॉब्लम। पानी से रिलेटेड और एक प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, जैसे तुम यहाँ पे आते हो नए शुरू में, जैसे आते हो तुमको विद इन 1 week या मान के चलो विद इन 1 month के अंदर, 1 month के अंदर अब तुम आओगे तो यहाँ पे नहाओ धोओगे तो तुमको पता लगेगा कि यहाँ पे विद इन 1 महीने के अंदर ही तुमको बालों से हेयर फॉल का तुमको प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था मेरे को कुछ ज़्यादा ही मैंने वो नोट किया, क्योंकि बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगे थे। तो धीरे धीरे अभी कम हो गया, शायद इस हवा पानी में मैं भी थोड़ा सा घुलमिल हो गया हूँ, तो अभी उतना अभी भी होता है, मतलब हेयरफॉल होता है, लेकिन अभी उतना नहीं है, लेकिन हाँ है। चलो हम लौंडा के लिए तो ठीक है, लेकिन स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन उनका क्यों बाल झड़ेगा तो प्रॉब्लम होता है ना। तो उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे लोग, एक तो है कि वो सिर्फ बाल धोने के लिए मिनरल वाटर यूज़ करें, टैप वाटर सॉरी बॉटल वाटर वगैरह, या फिर फ़िल्टर वाटर वगैरह, फिर सेपरेट पानी से। अगर आपको नहीं करना है तो आपको कुछ वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो कुवैत के बारे में, तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे उसके बारे में वीडियोज़ बना के डाल दिया, तो आप उसके बारे में रिसर्च करके आ सकते हो यहाँ पे, स्पेशली गर्ल्स के लिए। अगर कोई बॉयज़ है जो अपने बालों से प्यार करता है या थोड़ा सा केयर करता है, तो जाहिर सी बात है तुमको भी इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि मैं तो उसके बारे में उतना टेंशन में नहीं लेता हूँ कि ये बाल के बारे में। हाँ, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा सा डर लगता है कि अरे यार कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगे, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आने लगा है। तो ये है पानी का प्रॉब्लम यहाँ पे। अब बात करते हैं, तो सेकेंड है ना,
तो सेकंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का, जैसे तुम आते हो यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद तुमको थोड़ा सा एहसास होगा इस चीज़ का, लेजीनेस का, मतलब तुम आलसी हो जाओगे इतना, क्योंकि मैंने ये फेस किया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको। इससे मैं बाहर तो निकला हूँ, हाँ कभी कभी थोड़ा मैं भी आलसी हो जाता हूँ, लेकिन हाँ बाहर निकलना तो बहुत ज़रूरी है, और कुछ आलसीपन नहीं चाहिए, मतलब लाइफ में आलसी नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद स्पेशली इतना आलस भर जाता है लोगों में, और क्योंकि मैंने फेस किया मैं इसलिए बता रहा हूँ, आलसी हो जाते हो लोग। और एक तो लेज़ी लाइफ तो है ही यहाँ पे, प्लस ये इंटरनेट की वाली ज़िंदगी, तो इंटरनेट में लोग ऐसे पढ़ पढ़ के बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम बर्बाद, वही कंटेंट कचरा कंटेंट वगैरह डाल के अपने आप को और कचरा बना लेते हैं। तो ये इससे थोड़ा बचना है यहाँ पे आने के बाद। ओके, थर्ड की बात करूँ मैं तो, बैलेंस योर लाइफ यहाँ पे आने के, यहाँ एक्चुअली बैलेंस योर लाइफ ये जो है ये तो इंडिया में भी काम करता ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हो तो बैलेंस योर लाइफ बहुत ज़रूरी है, लाइफ को बैलेंस करना। और इसके साथ मैं और एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा, वो है सोशलाइज योर लाइफ। बैलेंस योर लाइफ प्लस सोशलाइज योर लाइफ, इसको अगर मैं कंबाइन करूँ तो, क्यों? क्योंकि अगर तुमको बैलेंस करना है लाइफ में, मतलब लाइफ अगर तुम्हारी बैलेंस रखनी है, तो पहली बात तो वही ठीक ठाक खाना खाओ, सही नींद लो, ये सारी चीज़ें बैलेंस लाइफ। इससे रिलेटेड अगर सोशलाइज लाइफ, क्यों? क्योंकि तुम अपना टाइम थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ अभी तुम शेयर करोगे, मतलब स्पेंड करोगे तो सही रहता है। क्योंकि वो वाली नहीं सोशलाइज, मतलब वो इंटरनेट वाला सोशलाइज वाली नहीं, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी दूर दूर तक तो बात ही है ही नहीं। फालतू कंटेंट, फालतू रील्स, फालतू टिकटॉक कुछ भी है, फालतू फालतू नहीं देखना है। देखना है तो अपने काम से रिलेटेड देखो, मतलब हाँ कि मेरे को ये इसके इसमें इसमें मेरे को कुछ करना है, तो वो वाला कंटेंट देख रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए यहाँ पे आने के बाद नए दोस्त बनाओ, और या फिर किसी ग्रुप में शामिल हो जाओ जहाँ पे लोग मिलते हैं, बात करते हैं, शेयर करते हैं, हंसते हैं, बात शेयर कुछ जो भी है, प्रैक्टिकली जो हाई फाई वाली जो दोस्ती होती है ना वो सही रहता है। तुम मोबाइल पे हाई फाई थोड़ी ना कर सकते हो, वीडियो कॉल पे थोड़ी ना कर सकते हो। वीडियो कॉल पे एक, हाँ एक वो इमोशन अलग है, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकल जो बात होती है अपने दोस्तों के साथ वो बात अलग है। जो सामने सामने तुम एक दूसरे का चेहरे देख के हंसते हो, टाइम स्पेंड करते हो, वो बात अलग ही है। ठीक है, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, अपने लाइफ को बैलेंस रखो, थोड़ा बहुत सोशलाइज हो जाओ, तो घूमो फिरो, मस्ती करो यार। काम के साथ साथ सबसे ज़रूरी है मस्ती। लोग बड़े हो जाते हैं तो मस्ती करना भूल जाते हैं, तो दोस्त ऐसा नहीं है, मस्ती करो। ये जो है फोर्थ फोर्थ साल था। अच्छा, तो ये है हिंदू लोगों के लिए, मतलब मेरे हिंदू जो भाई बहन अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है तो उनके लिए। तो सबसे पहली बात, हिंदू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई इंसान, कोई हिंदू कोई तो आना चाहता है, बेशक आओ तुम लोग, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक इंसान हो, धार्मिक का मतलब कि तुमको हर हफ्ते या हर शुक्रवार मंगलवार जो भी हमारा वार होता है, तुमको उस दिन मंदिर जाना है, पैर पड़ना है, वो सब कुछ जो प्रोसेस वो करना है, तो ऐसा अगर तुम वैसे इंसान हो तो तुम मत ही आओ यहाँ पे, क्योंकि पहली बात यहाँ पे टेंपल्स नहीं है, और दूसरी बात अगर आप उस चीज़ से हैंडल कर सकते हो, अच्छा ठीक है मंदिर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कुछ जाना है, काम करना है वहाँ पर, तो तुम आ सकते हो। आके तुम अपने रूम में एक छोटा सा मंदिर टाइप में एक मूर्ति या वगैरह फ़ोटो वगैरह लगा के तुम अपना पूजा वगैरह जो भी करना है वहाँ पे अपने रूम के अंदर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं यहाँ पे, और उसका कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, तुम करो बिंदास करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तुम ज़्यादा धार्मिक इंसान हो तो मत आओ यहाँ पे, तुम शायद दुबई वगैरह जाओ, शायद वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह हैं, तो कुवैत में तो है ही नहीं ऐसा कुछ। ओके, तो आगे, अगर आप किसी ऐसे स्टेट से आ रहे हो जहाँ पे तुम पहले तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी मस्ती करने वाली, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दारू, नाइट लाइफ, क्लबिंग वगैरह ऐसा कुछ लाइफ था तुम्हारा, तो कुवैत अगर आ रहे हो तुम तो तुमको ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। नाइट लाइफ तो है यहाँ पे, क्लब्स वगैरह है, लेकिन क्लब्स में शराब वगैरह नहीं है, और स्मोक कर सकते हो, स्मोक लीगल है, अल्कोहल इलीगल है यहाँ पे, कोई शॉप या वगैरह ऐसा इलीगल है सब कुछ। ठीक है, और इलीगली इलीगली भी यहाँ पे कुछ शराब है जो बाहर बेचा जाता है, लेकिन वो इलीगल है, पकड़े जाओगे तो फाइन, डिपोर्ट वगैरह काफ़ी सारे लफड़ा है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। स्मोकिंग तुम कर सकते हो अगर आप करते हो तो, काफ़ी सारे यहाँ पे शॉप्स और है, इलीगल है दोस्तों, तो मिल जाएगा शॉप में, टेंशन मत लो, शीशा हुक्का वगैरह भी मिल जाएगा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि जो यहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं शायद वो लोग मुझसे रिलेट कर सकते,
कर सकेंगे कि यहाँ की जो लाइफ है ना वो झंड लाइफ है। क्यों कह रहा हूँ ना, क्योंकि एक्चुअली ये वीडियो स्पेशली न्यू कमर्स लोगों के लिए था। ये मेरी शायद वीडियो देख के वो लोग डर ना जाए। तो पहली बात तो मैंने ज़्यादा टॉपिक्स भी मैंने ले नहीं लिए, मतलब ज़्यादा सवाल भी मैंने नहीं लिए। मैंने एक मेरे पास ये था शायद मेरे रूम पे है, तो कुछ पाँच छः थे वो टॉपिक्स, उसके बारे में बात करना आप लोगों को ज़रूरी था। लेकिन छः वाला जो मैंने अभी आगे मैं बताऊँगा आपको, इसलिए मैं कह रहा था कि लास्ट तक देखना। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो सामने इसके आगे थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, बस लास्ट में टॉपिक है इसका, देख के निकल जाना। कैसे बताऊं मैं आप लोगों को? अच्छा ठीक है, तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नए लोग हैं। लेकिन कैसे बताऊं? अच्छा ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है डिप्रेशन, एन्जाइटी, मेंटल इलनेस, और क्या क्या नाम दूँ मैं इनको। यहाँ पे आने के बाद तुमको ये सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कहता हूँ कि तुम इसमें फंसोगे या तुम इसमें तुमको होना ही है, लेकिन हाँ यहाँ पे आने के बाद ये सारा चीज़ें होती है, सारी चीज़ें आती है होती है, यार क्या बताऊँ मैं। और किसी को डराना नहीं चाहता यहाँ पे आने के बाद। और लोगों की लाइफ जंड है तो है दोस्त, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है, तुम्हें बोल रहा हूँ। और